इधर क्षेत्र की गुलिया खाप ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बेटी हो या बहू, इनमें कोई फर्क नहीं समझा जाना चाहिए। दोनों को बराबरी का हक और सम्मान दिया जाना चाहिए। बुधवार को जिले के बादली क्षेत्र की गुलिया खाप ने झज्जर की बहू प्रियंका गुलिया को सर आंखों पर बैठा लिया। उनके सम्मान में सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। प्रियंका गुलिया एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम की उप कप्तान रही और उनकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। गुलिया खाप ने प्रियंका गुलिया के गांव जहांगीरपुर पहुंचने से पहले ही उनके सम्मान में सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। ढांस बॉर्डर से प्रियंका गुलिया को ठीक उसी तरह से रिसीव किया गया जैसे दो दिन पहले पलक गुलिया को रिसीव किया गया था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लंबे काफिले के साथ प्रियंका गुलिया बॉर्डर से गांव जहांगीरपुर तक लाया गया। इस दौरान गुलिया खाप और प्रियंका के परिजनों का उत्साह देखते ही बनता था। ग्रामीणों ने भी इस दौरान खूब जश्न मनाया। बीच रास्ते में जगह जगह प्रियंका का स्वागत किया गया। गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने कहा कि भारतीय कबड्डी टीम एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर विशेष बधाई की पात्र है। हम बेटी और बहू में बिल्कुल फर्क नहीं समझते। ऐसा है, हमारी जो जनता है ना, हमारी खाप की बहादुरी का प्रतीक एक ही है कि हम तो सिर्फ अपने बच्चों को एक संस्कार देते हैं कि आप मेडल लेकर आओ। स्वागत के लिए तो हमारी पूरी जनता जो है, मेरी गुलिया खाप जो है, ये बहुत बहादुर है। इसने समय समय पे पुराने कालखंड से ही अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। आज दो दिन पहले पलक गुड़िया का स्वागत किया था, आज हमारी बिटिया का प्रियंका काद्यान का स्वागत कर रहे हैं। तो हम तो एक ही उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो है इस स्वागत का सम्मान करेंगे और वो विशेष रूप से इस चीज़ से एक प्रेरणा लेंगे और वो आगे आने वाले टाइम में ओलंपिक में मेडल आएंगे, फिर उसके बाद फिर भव्य स्वागत होगा। मामला ऐसा है कि हमारे जो प्रदेश के अंदर है ना, हम अपने मुंह से अपना बखान करते हैं। मेरे को जिस प्रकार से, जिस लाड चाव से मेरी जनता ने मेरे को ये जिम्मेवारी दी थी, उस जिम्मेवारी का मैं विशेष रूप से एक अलग प्रकार का, कल आप थे ना वहाँ एसपी साहब के पास मैं गया था जी, तो मैं विशेष जो है ना कार्य करता हूँ और मेरी खापी आन बान और शान को बढ़ाने का मैं भरसक प्रयास करता हूँ। और मेरे को देख के मेरी जनता के अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह होता है और उसके बाद जो है हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी हमारे को देख के यही महसूस करते हैं कि अगर हमारे बड़े हमारा इतना सम्मान करते हैं तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ, इनकी गरिमा को बढ़ाने के लिए, इस खाप की गरिमा को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करा। आज प्रियंका ने फिर उसको दोहरा दिया और ये प्रियंका जो है काफ़ी, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक प्लेयर होता है, उसका एक कैरियर होता है, इसका काफ़ी लंबा कैरियर है और इस लंबे कैरियर में इसने बार बार जो है मतलब उसको दोहराने का काम किया। तो हम इसका आज पलके बिछाए बैठे बड़े भव्य तरीके से इसका स्वागत करने का काम करें। भारतीय कबड्डी टीम की उप कप्तान प्रियंका ने भी कहा कि जिस तरह से खाप और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया है, ये एक अच्छी मिसाल है। ऐसे स्वागत से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मैं ग्राम पंचायत खाप पंचायत को मैं यही कहना चाहूंगी, आगे भी ऐसे ही एशियन गेम में मेडल लाते रहेंगे आपके गाँव के बच्चे, तो मैं यही कहना चाहूंगी बहुत बहुत आपने मान सम्मान दिया है और आगे आने वाले बच्चों को भी ऐसे मान सम्मान देंगे तो शायद हमारी लड़के आगे बढ़ जाएंगे। कि हम तो अब यही कहना चाहेंगे अभी तो फिलहाल तो खाप पंचायत ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, मेरे को बोलने के लिए इनके लिए कुछ शब्द ही नहीं है कि कोई शब्द है मेरे पास। यही है कि मैं अपने फैमिली को और ग्राम पंचायत आपको यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही मैं आगे भी मेडल देऊंगी अपने गांव को जहांगीरपुर, खाप पंचायत मेरे आगे भी फंक्शन ऐसे ही करते रहे। झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज 18 हरियाणा।